हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी टेलीग्राम। निफ्टी टेलीग्राम का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने बात किया था अपने जो भी ऑप्शन चैन्स के डेटा के आधार पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या पोजीशन बना हुआ है बड़े प्लेयर का एंड रिटेल ट्रेडर का, यहाँ पे कौन बुलिश हैं और कौन बेरिश हैं, ये सब चीज़ें हमने बात की थी कल। यानी ओवरऑल आप अगर डेटा के ऊपर मार्केट की एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट वीडियो है, जहाँ से आज हम ऑप्शन चैन के सीक्रेट के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे मैक्सिमम राइटिंग हुई और बाइंग हुई बिग प्लेयर की। देखिए, अगर ये डेटा आप अगर कंसीडर करते हैं तो बहुत ही एक अच्छा मोमेंटम आप पकड़ पाएंगे मार्केट में। ओवरऑल कल की हमने वीडियो में पूरा एक डिटेल में भी बात किया था कि FII क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में अभी अपना लॉन्ग पोजिशन क्रिएट कर रहे हैं और उनके पास जो शॉर्ट पोजिशन था वो क्लोज हो रहा है। यानी जो भी उनके पास शॉर्ट पोजिशन बनाया गया था फ्यूचर में, वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं। ये चीज़ें आप देख सकते हैं 11,000 से पहले भी। तो जब भी वो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते हैं क्या करते हैं, पुट बाइंग करते हैं। तो अभी वो धीरे धीरे करते हैं, उनकी बाइंग पूरा नहीं हुआ है और जब तक उनका लॉन्ग पोजीशन ये आपको 40% के ऊपर नहीं जाता है, 40 to 45%, तब तक मार्केट क्या है, गिरेगा नहीं। ऐसे ही अगर शॉर्ट पोजीशन उनका जब तक 40% के ऊपर नहीं जाता है तब तक मार्केट ऊपर ही नहीं जाएगा। तो इनकी पोजीशन अभी क्या थी, 32% शॉर्ट रह गया है। इससे पहले आप यहाँ पर देखे होंगे तो इनका पोजीशन जैसे 42% आता है, इससे पहले भी इनका पोजीशन आया था तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया। आप देख सकते हैं 21,885 जहाँ पे लो लगाया था फोर्थ के, 50% इनका शॉर्ट हो गया था और इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर ही गया। अब लॉन्ग पोजीशन ये जब भी बनाते हैं 50%, वो मार्केट ऊपर जाता है। अभी इनका कोई ऐसा कंसीडर नहीं हुआ है लॉन्ग, नीचे जाता है, माफ चाहता हूँ इसके लिए। इससे पहले भी यहाँ अगर आप बैक टेस्टिंग करें 48% 48%, 22,400 मार्केट था, यहाँ से आपको ऊपर ही गया 22,800, यहाँ इन्होंने 31% किया, इसके बाद फिर 22,700, फिर इनके बाद से मार्केट इनकी 45%, अब मार्केट यहाँ से देखिए फिर ऊपर चला गया। यानी वो जो 45% का क्राइटेरिया है बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी क्या होगा मार्केट में, अभी क्या होगा मार्केट, ओनली इनके पास नेट टू नेट 3% यहाँ पे क्या है, बेरिश है, 32% शॉर्ट है, 28% क्या है, लॉन्ग है। तो मार्केट क्या गिरेगा या फिर मार्केट ऊपर जाएगा, इसकी हम बात करेंगे ऑप्शन चैन में। और ये हमने डिटेल में भी यहाँ पे बताई है कि क्या पोजिशन हुआ, तो कल वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, समराइज के तौर पर मैंने बता दिया। अब हम मेन डेटा पे आते हैं जहाँ पे एक प्योर ऑप्शन चैन की बात की जाती है। इसमें मैंने कुछ डेटा ऐड भी किया है जो आपको मैं बताऊंगा कि इसकी क्या मीनिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, इसको रिट्रीव करने में मुझे कम से कम 7 to 8 hours लग गए कंटिन्यूस। अब नेक्स्ट एक्सपायरी जो है 20 की है, यहाँ पे 23,429 का सपोर्ट है अभी मार्केट का, रजिस्टेंस 23,558 का, न्यूट्रल पॉइंट 23,494। न्यूट्रल पॉइंट वो होता है जहाँ पे मार्केट की ग्रेविटी है, यानी मार्केट में कॉल राइटर एंड पुट राइटर अगर दोनों की बात किया जाए तो वो उस पॉइंट पे मार्केट को रखना चाहते हैं। अब उसमें वेरिएशन होगा, अगर न्यूट्रल पॉइंट ऊपर होगा तो मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा। कितना, अगर मार्केट से न्यूट्रल पॉइंट 70 to 80 points ऊपर है तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ये निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी में इसका दुगना कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकालना है, उसका जो आपको क्या इंटरप्रिटेशन क्या है, सारा अपने वर्कशॉप में डिस्कस करते हैं जो कल से स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। अब इस बेसिस पे देखा जाए तो 63% राइटर हैं वो क्या है, पुट में बैठा हुआ 63%, बायर भी 64% है। तो जब बायर भी बैठा हुआ है और राइटर भी पुट में बैठा हुआ तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। कितना ऊपर लेके जाएगा, अभी ग्रेविटी आप 23,500 और 23,450 का देख रहे हैं, मार्केट इसके बीच में क्लोजिंग दिया है, ग्रेविटी के बीच में क्लोजिंग। यानी ओवरऑल डेटा यहाँ पे बुलिश है, लेकिन अब मंथली एक्सपायरी भी आने वाला है, उसके डेटा को हम कंसीडर करेंगे। सपोर्ट सेम 23,400, रेजिस्टेंस 23,550, न्यूट्रल पॉइंट के पास क्लोजिंग है, इसमें भी लगभग 53% राइटर के हैं पुट में, बायर इक्वल है, ग्रेविटी इनका सेम है, तो ये भी डेटा हमें बुलिश इंडिकेशन कर रहा है। मेन अब आते हैं बैंक निफ्टी का, जो 19th को एक्सपायरी होना है बैंक निफ्टी, इसकी भी मंथली हम डेटा देखेंगे।
49,800 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 50,275, न्यूट्रल पॉइंट 50,038 का, क्लोजिंग उसी के पास है। यहाँ पे थोड़े से राइटर हुए हैं, वो कॉल में बैठा हुआ है, कॉल में कहाँ 59%, बायर भी यहाँ पे कॉल में बैठा हुआ है, लेकिन राइटर को ज़्यादा वेटेज देना है। इसलिए आप देख रहे थे कि बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर जाने में बहुत उसको दिक्कत हो रहा था। अब ग्रेविटी 50,000, 50,100 और यहाँ पे राइटर कॉल में बैठा हुआ है, इसलिए क्या है, ग्रेविटी के लोअर पोजिशन में 50,000 में इसने आके क्लोजिंग दिया। नेट टू नेट अगर मंथली आप देखें तो 50,040 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, 50,054 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और मंथली रेंज 48,868 यानी यहाँ से लगभग थोड़ा सा नीचे और 1,000 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, 1,000 to 212,000 पॉइंट नीचे। उसके 49,900 ये आपको क्या है, ग्रेविटी, मंथली ग्रेविटी 49,930 का। बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी का भी 23,400 यानी क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट में ग्रेविटी दूर, मंथली जो मिड पॉइंट। इसलिए क्या कर रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं 3-4 दिन से ऊपर खुल रहा है लेकिन क्या नीचे आ जा रहा है, एक रेंज बन रही है, वहाँ पर क्या है प्रीमियम डी के ज़्यादा हो रहा है, खाया जा रहा है पैसा को बायर्स का। ऐसे में आप क्या है ट्रेड अवॉइड करिए, जब तक हमारी मार्केट की एक रेंज थोड़ी बड़ा ना हो, एक लार्ज ना हो, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। चलिए अब यहाँ पे फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी देखते हैं, एक लास्ट डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको भी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। 23,338 का सपोर्ट, रेजिस्टेंस 22,300, न्यूट्रल पॉइंट 22,423, क्लोजिंग उसी पे है। 63% राइटर यहाँ पे कॉल में, बायर भी 61% बैठा, यानी दोनों फाइटर हैं यहाँ पे, फाइटिंग हो रही दोनों, लेकिन राइटर का वेटेज यहाँ पे ज़्यादा देना है। और ग्रेविटी भी 22,500 के पास है, राइटर ज़्यादा है, इसलिए क्या है लोअर पोजिशन में, ग्रेविटी के लोअर पोजिशन में 22,400 के पास जाके क्लोजिंग दिया है। मिड कैप निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी यहाँ पे जो 24th का होना है, 24th में आप देखें तो 12,031 का सपोर्ट, रेजिस्टेंस 12,067 का, न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे है क्लोजिंग उसी के पास मार्केट 12,044, राइटर 55% कॉल में, बायर 80% बैठा हुआ, यानी ये बायर बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा ऊपर लेके जाएगा, ग्रेविटी 12,000, 12,100 है, तो मार्केट मैक्सिमम टाइम 80-90% ग्रेविटी के बीच में क्लोजिंग देता है। अब ग्रेविटी है क्या, ग्रेविटी वो है मैंने आपको फिर से बताया कि जहाँ पे कॉल राइटर एंड पुट राइटर दोनों में क्या है इक्विलिब्रियम होता है, यानी उनको वहाँ पे लॉस नहीं होता है, कॉल राइटर को भी पुट राइटर को भी, वो चाह रहे हैं मार्केट इसके आसपास रहना, और यही हम न्यूट्रल पॉइंट लाइव मार्केट में उसको डिस्कस करते हैं। अभी ओवरऑल डेटा यहाँ पे देख गया कि निफ्टी का स्लाइटली बुलिश है, बाकी तीनों इंडाइसेस का बेयरिश है, तो किसको कंसीडर किया जाए। दोस्तों हमने कुछ डेटा यहाँ पे रिट्रीव किया, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, अभी मैं निफ्टी का ही कर पाया हूँ, बैंक निफ्टी का मैं जरूर करूँगा। अभी आप ओवरऑल टोटल जितने भी टोटल ऑप्शन चेन में ट्रेड होते हैं, देखिए एक सिर्फ यहाँ पे मंथली एक्सपायरी या फिर वीकली एक्सपायरी देखने से काम नहीं चलेगा, हो सकता है कि बड़ा प्लेयर उसको छोड़ के अगले एक्सपायरी में एक्टिव हो क्योंकि वहाँ पे डीके भी कम रहेगा। तो इसमें अगर देखा जाए आपको सपोर्ट 22,865 का दिखा रहा है पूरे ओवरऑल ऑप्शन चेन में, यानी इसके नीचे मार्केट क्या अभी नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस 24,011 का, और न्यूट्रल पॉइंट देखिए ओवरऑल ऑप्शन चेन का 23,438 का, मार्केट इसीलिए नहीं गिर रहा है। और वो न्यूट्रल पॉइंट्स में जो राइटर यानी न्यूट्रल पॉइंट्स है और मार्केट का जो डिफरेंस है वो ओनली एंड ओनली 28 पॉइंट्स है, क्योंकि क्लोजिंग आज जो दिया है मार्केट फ्राइडे के दिन 23,465 के पास है, ग्रेविटी 23,000 न्यूट्रल पॉइंट क्या है 438 के पास, ओनली 28 पॉइंट्स का डिफरेंस है मार्केट से, और 28 पॉइंट्स में जो 9% हैं राइटर हैं 9% ओनली क्या है उनकी ज़्यादा वेटेज है कॉल राइटर के पुट राइटर से। तो अब 28 का 9% निकालते हैं 2.4, तो मार्केट क्या है अपने न्यूट्रल पॉइंट से 2.4 का ही
डिविएशन दे सकता है 2.4 पॉइंट्स का, ज़्यादा नीचे नहीं जाने का है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये मायने रखता है ओवरऑल ऑप्शन चेंज का। थोड़ा सा अब यहाँ पे हम एक और डेटा देख लेते हैं। देखिए ओवरऑल पूरे जितने ही ऑप्शंस में वहाँ पे 25,000 के पास कॉल की बाइंग हो रही है, सबसे ज़्यादा पुट साइड 22,000 के पास। अब इस दोनों में जो बायर हैं 53% ज़्यादा उनका वेटेज क्या है, 53% ज़्यादा वेटेज है 25,000 पे जो बाइंग कर रहा है, यानी 25,000 पे वो ज़्यादा जोर लगा कि मार्केट मेरे तरफ आए। दूसरा जो है 25,050 के पास वो 56% है। तीसरा 25,100 के पास ओवरऑल ऑप्शन चेन में, जो उसका भी वेटेज 42% है, जबकि पुट साइड 21,000 22,200। तो ये डेटा इंडिकेशन से कर सकता है बायर्स के बड़े प्लेयर का क्या है कि मार्केट की डायरेक्शन ऊपर साइड है। अब राइटर की हम बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बायर में आपको कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे वेटेज उनका ज़्यादा है, तो क्या करेंगे मार्केट की डायरेक्शन ऊपर रखेंगे। कहाँ तक, न्यूट्रल पॉइंट हमने बात कर लिया, यहाँ से लगभग प्लस माइनस 200 पॉइंट्स। और हमने ये भी बात किया था कि मार्केट अभी गिरेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो राइटर हैं यानी ऑप्शंस के साथ फ्यूचर में जो है वो भी शॉर्ट पोजिशन उनके पास है, लॉन्ग पोजिशन नहीं क्लोज, लॉन्ग शॉर्ट पोजिशन क्लोज करके लॉन्ग अभी इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, वो 45% से ऊपर नहीं गया। राइटर में 24,000 के पास सबसे ज़्यादा कॉल राइटर हैं, और 23,400 जहाँ पे एटीएम है वहाँ पे पुट में बैठा हुआ राइटर, यानी राइटर पुट की राइटिंग कर रहा है। लेकिन ये आप अगर उन दोनों के बीच वेटेज देखें तो उनका 6% ज़्यादा है कॉल के राइटर का, लेकिन यहाँ से वो 600 पॉइंट्स दूर भी हैं, जबकि यहाँ पे पुट राइटर वो क्या है ओवरऑल में 23,400 के पास बैठा, तो वो यहाँ से नीचे नहीं जाने देगा मार्केट को। क्लियर है। सेकेंड हाईएस्ट 23,500 के पास है, और यहाँ पे 23,000 पे है सॉरी दोस्त, अब इनका वेटेज 7% ज़्यादा पुट वालों का है, यानी ये बुलिश हैं। नेक्स्ट थर्ड में जो है वो आपको कॉल साइड ऊपर शिफ्ट हो गया, पुट साइड 23,300 के पास आ गया, और उसमें भी 3% क्या है पुट के ज़्यादा वेटेज हैं। तो ये तीनों डेटा ये इंडिकेशन कर रहा है कि अभी जो पुट वाले हैं उनका ओवरऑल क्या है ज़्यादा परसेंटेज है। टोटल आप देखेंगे तो 0.1 का है, यानी यहाँ पे जो राइटर हैं वो क्या है दोनों साइड इक्वल पोजिशन बना कर बैठे हैं, न्यूट्रल है। यानी अगर आप इंडिविजुअल में देखें तो थोड़े से पुट के ज़्यादा हैं, लेकिन बायर यहाँ पे क्या है कॉल वाले ज़्यादा हैं, तो मार्केट का डायरेक्शन क्या करेंगे ऊपर की तरफ रखेंगे, जब तक कि कॉल के राइटर आप जोर नहीं लगाते हैं मार्केट को नीचे आने के लिए। और सेम हमारा न्यूट्रल पॉइंट भी इंडिकेशन कर रहा है मार्केट के क्या डायरेक्शन में कि ये ऊपर की तरफ है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर ऑप्शन चेन में आप सिंपल एनालिसिस करते हैं, सिंपल आप डेटा ये देखते हैं सिंपल एनालिसिस करते हैं, तो आप मार्केट को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा ये मंथली एक्सपायरी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 26 का होना है। यहाँ पे आप अगर बैंक निफ्टी का देखें 50,000 का सपोर्ट रेजिस्टेंस 50,200, ग्रेविटी यहाँ से 100 पॉइंट्स न्यूट्रल पॉइंट ऊपर है, तो ये एटलीस्ट वहाँ से 150 to 200 पॉइंट्स होना चाहिए मार्केट का डायरेक्शन का, यानी स्लाइटली ऊपर है। राइटर यहाँ पे देखें 52% जो कॉल में बैठा है, यानी यहाँ ये डेटा अभी आप देखें क्या है न्यूट्रल है। तो दोस्तों आप रेगुलर इस चैनल को फॉलो करिएगा तो डेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। डेटा की हमने यहाँ पे सारी तहकीकात कर ली, ओवरऑल मार्केट में आपको थोड़ा ऊपर ही दिखेगा, नीचे साइड में मार्केट नहीं है, जब तक कि ये राइटर इनका जो FII का पोजीशन ये आप क्या है बाइंग कर रहे हो धीरे धीरे पुट, लेकिन मार्केट इतना जल्दी नहीं गिरेगा जब तक ये पोजीशन यहाँ पे 40% के ऊपर नहीं जाता है, 40 to 45% लॉन्ग है तब तक मार्केट नहीं गिरेगा, इस चीज़ों का आप याद रखिए। तो ऐसा नहीं कि अगर वो पुट बाई करना है तो तुरंत मार्केट को गिरा देंगे, जब तक रिटेल ट्रेडर वहाँ पे पूरा फुल बुलिश नहीं आते हैं तब तक मार्केट नहीं गिरने वाला। तो आई होप कि आपको दोस्तों ये डेटा समझ में आएगा, ये सब कुछ हमने टेलीग्राम चैनल पर भी डिस्कस करते हैं। देखिए लाइव में अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट क्या है मार्केट का, 23,470 के पास क्लोजिंग वहीं पे दिया, प्रीमियम डिक्याज हो रहा था क्योंकि बड़ा प्लेयर वहाँ पे क्या है दोनों साइड एक्टिव थे, कॉल एंड पुट दोनों साइड की राइटिंग हो रही थी। तो यहाँ आपको एक अच्छा मार्केट का व्यू मिलता है, आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ अगर आपको सीखना है तो देखिए नेक्स्ट मैंने भी बोला कि यहाँ पे आज तक का आज एक ह्यूज डिफरेंस यानी 30% का डिस्काउंट था दोस्तों इसमें,
अभी भी ये ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर से। कल से हमारा 16 जून से नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। ओवरऑल आपके ऊपर है कि मार्केट में आप सीख के या फिर एज ए तुक्का मार के एनालिसिस करना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ हमारे चैनल पर आप जाकर देखते हो कि बोला जाता है कि यहाँ पर राइटिंग क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए। डिस्क्लेमर है दोस्तों कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के द्वारा बनाया गया। लाइव मार्केट का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, खुद की एनालिसिस करिए, अपने ही एनालिसिस के दम पर बाइंग और सेल करिए, किसी के भी एनालिसिस पे। मेरा 100% गलत हो सकता है एनालिसिस। आप इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।